हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक, जैसे हमने नया चैप्टर शुरू किया तो उसके हिसाब से फिजिकल मेजरमेंट हमने शुरू कर दिया, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सो जो नेक्स्ट सब टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। फिजिक्स का दूसरे साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स इन रिलेशन टू द केमिस्ट्री, फिजिक्स इन रिलेशन टू द बायोसाइंस, फिजिक्स इन रिलेशन टू द एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स इन रिलेशन टू द मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन रिलेशन टू द अदर साइंस, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। सो लेट अस टेक फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेज। सो बच्चों, फिजिक्स का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसा है, लेट अस टेक द फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ कैसा है। द सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन फिजिक्स हैज एनेबल्ड केमिस्ट टू रीअरेंज एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। जो सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है इन फिजिक्स हैज एनेबल्ड द केमिस्ट्स, डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, फिर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इन फिजिक्स जो हम करते हैं, हैज़ एनेबल्ड डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन फिजिक्स हैज़ एनेबल्ड केमिस्ट्स टू रीअरेंज एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल। जो भी केमिस्ट्स हैं जिन्होंने पीरियडिक टेबल बनाया है, उसमें उन्होंने फिजिक्स ने उनको हेल्प किया, जब उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे दिया तो फिर केमिस्ट्स ने एलिमेंट्स को रेंज करने में उनको मदद मिल गई, पीरियडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। द कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस इन फिजिक्स हैज एनेबल्ड केमिस्ट्स टू अंडरस्टैंड केमिकल बॉन्डिंग इन ए बेटर वे। द कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस जो फिजिक्स ने दिया है, दैट हैज एनेबल्ड द केमिस्ट्स टू अंडरस्टैंड केमिकल बॉन्डिंग इन ए बेटर वे, दैट हाउ जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन द टू एटम्स, तो उसकी वजह से जो फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो केमिस्ट्स है उन्होंने अंडरस्टैंड किया केमिकल बॉन्डिंग इन ए बेटर वे। नाउ वी विल टेक फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोसाइंस। द माइक्रोस्कोप्स डेवलपमेंट इन फिजिक्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। जो माइक्रोस्कोप जो है, जो फिजिक्स ने डेवलप किया है, फिजिक्स के जो लॉज को यूज़ करके उनको बनाया गया है, तो दीज माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। एक्सरेज की बात करेंगे, एक्सरेज डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज्ड टू फाइंड द फ्रैक्चर इन द ह्यूमन बॉडी। तो जब भी कोई ह्यूमन बॉडी में कोई फ्रैक्चर होता है, तो एक्सरेज जब हम एक्सरे उठाते हैं तो पता लगता है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्चर होता है, उसको लगता है कि कहाँ पर फ्रैक्चर है, किस पार्ट में बॉडी में फ्रैक्चर है किसी पेशेंट का। द रेडियो आइसोटोप्स डेवलप इन द फिजिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो रेडियो आइसोटोप्स है, जो फिजिक्स में डेवलप हुए हैं, दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। सिमिलरली वी विल टेक फिजिक्स इन रिलेशन टू द एस्ट्रोनॉमी। द जैन टेलीस्कोप्स इन फिजिक्स, जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स, जैन टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, दैट आर डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई। जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं इन द स्काई, उनको ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं। जो हम ग्राउंड से बाय यूजिंग जैन टेलीस्कोप हम यूज़ कर सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स हैव एनेबल्ड द एस्ट्रोनोमर्स टू ऑब्जर्व डिस्टेंट लिमिट्स ऑफ द यूनिवर्स। जैंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज फॉर ऑब्जर्विंग प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई। इसी तरह फिजिक्स इन रिलेशन टू द मैथमेटिक्स। थ्योरीज इन फिजिक्स ऑफन मेक यूज ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। वो जो भी थ्योरीज ऑफ मैथमेटिक्स हैं, जो थ्योरीज इन फिजिक्स है, ऑफन मेक यूज ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट। वो जो फिजिक्स में जो भी थ्योरीज हैं, उनमें यूज होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट। सो मैथमेटिक्स हैज इन फैक्ट सर्वड एज ए पावरफुल टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स। सो मैथमेटिक्स इन फैक्ट हैज सर्वड एज ए पावरफुल टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स। देन वी विल टेक
फिजिक्स इन रिलेशन टू द अदर साइंसेज, जैसे दूसरे साइंसेज हैं, बायोफिजिक्स है, जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, एंड ऑल्सो यूज बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी फिजिक्स का काफ़ी यूज़ होता है. देन वी विल टेक फिजिक्स इन रिलेशन टू द सोसाइटी. सोसाइटी में फिजिक्स का क्या रोल है? जैसे बच्चों, सोसाइटी में तो फिजिक्स का काफ़ी रोल है, क्योंकि ये सारा जो भी है, वो जो भी हम घरों में यूज़ करते हैं, सोसाइटी में यूज़ करते हैं, वो सारा लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज़ करके बनाए गए हैं. जैसे और जो भी बनाए गए हैं, वो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, सोसाइटी में यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशन में यूज़ करते हैं. सो फिजिक्स हैज़ हेल्प्ड टू सोसाइटी अलॉट. द डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. जितने भी फिजिक्स में डेवलपमेंट होते हैं, नए नए लॉज आते हैं, उसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और नई नई चीज़ें बनती हैं, और वो सोसाइटी को बड़े हेल्पफुल होता है, फ्रूटफुल होता है, एंड इन मेनी वेज. परंतु डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन की बात अगर करेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन हैज़ हेल्प्ड द सोसाइटी इन टू ट्रांसमिट मैसेज इंस्टेंटली. वो जहाँ पर भी हम बैठे होते हैं, पहले चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, गोड़ों पर पोस्टमैन चला जाता था चिट्ठियाँ लेके, या पहले कबूतरों के जरिए चिट्ठियाँ भेजी जाती थी. लेकिन विद हेल्प ऑफ फिजिक्स जब टेलीफोन डेवलपमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो गया, उसकी वजह से सोसाइटी को काफ़ी हेल्प हो गया. एंड द सोसाइटी कैन सेंड मैसेजेस और टॉक टू एनीबॉडी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद यर फ्रेंड्स, विद यर रिलेशंस. नेक्स्ट, जो रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल रेलवे हमारे पास है, एरोप्लेन है, बसेस है, स्कूटर्स हैं, जो भी जितने भी चीज़ें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दे हैव ऑल बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द बाई यूजिंग द लॉज ऑफ द फिजिक्स. सो दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी. सोसाइटी यूज दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेज इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, एंड दिस हैज फिजिक्स हैज दस फैसिलिटेटेड द सोसाइटी इन मेनी वेज. फिजिक्स हैज़ गिवन एस कंप्यूटर्स, टेलीविजन, रेडियोज, ETC, दे आर हैव ग्रेटली एनरिच्ड द सोसाइटी. फिजिक्स ने हमें TV दी, कंप्यूटर दिया है. आजकल आप देखते हो बच्चों, कंप्यूटर पर सारा काम होता है. पहले पर टाइपराइटर्स होते थे, फिर फोटोस्टेट मशीन नहीं थे, हमारे पास फोटोस्टेट मशीनें भी हैं. आजकल हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स पर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं. इंटरनेट हमें आजकल मिला है, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. हमें आज मोबाइल्स मिले हैं, बड़े बड़े मोबाइल्स मिले हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स मिले हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में हमें बड़े बड़े मोबाइल मिले हैं. आज लैपटॉप्स हैं बच्चों के पास, जो सारा फिजिक्स की देन है, जो बनाए गए हैं फिजिक्स के लॉज को यूज़ करके. इन सारी टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, जिसमें कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, मोबाइल्स आते हैं, टेलीविजन आते हैं, रेडियो आता है. ये सारा इन सारी चीज़ों ने सोसाइटी को एनरिच किया है फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज़ हेल्प्ड सोसाइटी, पर्टिकुलरली टू द स्टूडेंट्स, टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, टू द डॉक्टर्स फॉर डूइंग द रिसर्च, टू द साइंटिस्ट्स. एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द सोसाइटी. बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ द फिजिक्स, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन डेवलप्ड दैट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑन द सोसाइटी. दैट सोसाइटी इज एनरिच्ड बाई द न्यू डेवलपमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ द फिजिक्स. एंड नाउ वी विल टेक फिजिक्स इन रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी. द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर्स. वो जो भी ट्रांसफार्मर्स हम घरों में यूज़ करते हैं, जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, दे यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं या लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उनको यूज़ किया जाता है जो ट्रांसफार्मर्स को बनाने के लिए, उसको यूज़ किया जाता है. फिर हम अपने घरों में ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं. लॉज ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टीम इंजन, डीजल इंजन.
जो हम रेलवेज़ में यूज़ करते हैं, ट्रेनों में यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इसको या गाड़ियों में यूज़ करते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स विच आर यूज्ड, दीज आर द लॉज प्रोवाइड बाई द फिजिक्स एंड आर यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड सो ऑन, गोज दे हैव एनरिच्ड द सोसाइटी और द फिजिक्स हैज हेल्प्ड द टेक्नोलॉजी टू ग्रो बाई इट्स लॉज. जो भी रिसर्च होता है डेली, न्यू रिसर्च होता है, नए नए लॉज आते हैं, उनको यूज़ करके जो नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है और सोसाइटी को दिया जाता है, वो सोसाइटी टेक्नोलॉजी की वजह से, फिजिक्स की वजह से नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है. न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ आर यूज फॉर द प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट्स. जो न्यूटन सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है, वो उनको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट्स. जो रॉकेट्स हम भेजते हैं स्काई में, उनको प्रोपल्शन देने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ किया जाता है. सो फिजिक्स हैज हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी. एरोप्लेन्स फ्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. जो एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं स्काई में, दे आर फ्लाइंग इन द स्काई ऑन द बेसिस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम. ये बर्नौलीज थ्योरम है, उस थ्योरम पर जो है ये एरोप्लेन फ्लाई करते हैं. एक मैकेनिज्म, एक टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई गई है जिसकी वजह से एरोप्लेन फ्लाई करता है स्काई में. सो एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई ऑन द बेसिस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाई द फिजिक्स. द नॉलेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स. जो सुपर कंडक्टिविटी की वजह से जो नॉलेज जो प्रोवाइड करता है फिजिक्स, उनसे उनको यूज़ करके मैनुफेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर फिर सोसाइटी को हेल्प करते हैं टू एवरी मेम्बर ऑफ द सोसाइटी. द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल्स. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई द फिजिक्स that has helped to the development of the technology in the form of the wireless communication. Go without wireless means without wire. Go jo wireless communication hai that we are doing without the use of this wires. So the knowledge it is because of the electromagnetic waves that has been provided by the physics. So in this video we have isme humne padha use physics in relation to technology, physics in relation to society, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, जिसमें है 5-6 पॉइंट्स हमने. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे. वैन यू विल रिपीट द वीडियोज 2-3 times एंड कंसल्ट यूर सब्जेक्ट मटीरियल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. थैंक यू वेरी मच.